90 के दशक की तमाम अदाकाराएं अब दोबारा से फिल्मों की ओर रुख कर रही हैं। माधुरी दीक्षित हो या फिर रवीना टंडन, हर कोई अभिनय की दुनिया में कमबैक कर रहा है। लेकिन इस बार इन अभिनेत्रियों ने अपनी कला के लिए सिनेमा नहीं बल्कि OTT प्लेटफॉर्म चुना है। अपने जमाने की मशहूर एक्ट्रेस उर्मिला मातोंडकर OTT पर अपना डेब्यू कर रही है। लंबे वक्त से बड़े पर्दे से दूर हो चुकी बॉलीवुड एक्ट्रेस उर्मिला ने दोबारा से फिल्में करने का फैसला ले लिया है। जी हाँ, हाल ही में उर्मिला मातोंडकर की आने वाली वेब सीरीज तिवारी का पहला लुक सामने आया है। पोस्टर में उर्मिला का इंटेंस अवतार देख हर कोई हैरान है। ये पोस्टर लोगों को खूब पसंद आ रहा है, साथ ही इसे देखकर लोग एक्ट्रेस के किरदार का भी अंदाजा लगा रहे हैं। हालांकि फिल्म की कहानी का अंदाजा लगाने के लिए ये पोस्टर ही काफी है। अपने दमदार लुक के साथ उर्मिला पहली बार फैंस को नजर आने वाली हैं। आपको बता दें कि उर्मिला एक्शन से भरपूर थ्रिलर वेब सीरीज तिवारी के साथ OTT में डेब्यू करेंगी। वो इस फिल्म में एक्शन सीक्वेंस भी करेंगी। शो के निर्माताओं ने उर्मिला मातोंडकर की इस फिल्म का पोस्टर साझा किया है। फिल्म के ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श ने पोस्टर को अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर किया है। पोस्टर में उर्मिला जख्मी हालत में नजर आ रही हैं, मगर उनके एक्सप्रेशन एक्शन से भरे हैं। उनका लुक काफी इम्प्रेसिव है और पोस्टर देखकर साफ लग रहा है कि वह एक बार फिर अपनी एक्टिंग से दर्शकों को शॉक्ड करने आ रही। उर्मिला की कमबैक वेब सीरीज का निर्देशन सौरभ वर्मा ने किया है। उर्मिला मातोंडकर इसमें अहम भूमिका निभा रही हैं। जैसा कि पोस्टर को देखकर मालूम पड़ रहा है, ये कहानी माँ और बेटी के जज्बाती रिश्तों पर आधारित है, जिससे उम्मीद जताई जा रही है कि इससे आम लोग काफी हद तक खुद को कनेक्ट कर पाने में कामयाब होंगे। इस शो में उर्मिला लंबे वक्त बाद दमदार लुक में नजर आएंगी। सत्या, एक हसीना थी, भूत, रंगीला, कौन और पिंजरा जैसी चर्चित फिल्में उर्मिला मातोंडकर की काबिलियत की मिसाल देती हैं। इन्हीं फिल्मों की वजह से शायद इतने सालों बाद भी उनकी अदायगी के चर्चे लोगों के जहन में बरकरार हैं। उर्मिला तिवारी वेब सीरीज से एक बार फिर अपने एक्टिंग की दुनिया में वापसी करने जा रही हैं। कह सकते हैं कि शायद वो अपने फैंस के लिए कुछ सरप्राइज किरदार लेकर आ रही हों, जो शायद ही लोगों ने पहले कभी देखा हो। उर्मिला बॉलीवुड की उन चुनिंदा हीरोइनों में से हैं जिन्हें फैंस पर्दे पर फिर से देखना चाहते हैं। बता दें कि उर्मिला ने 3 मार्च 2016 को अपने बॉयफ्रेंड मोहसिन अख्तर से शादी कर ली थी, जिसके पहले से ही उर्मिला ने पर्दे से दूरियां बना ली थी। उर्मिला स्टार पार्टीज और अवार्ड फंक्शंस में भी बेहद कम ही नजर आई हैं। आपको बता दें कि इससे पहले 2007 में आई फिल्म ओम शांति ओम में गेस्ट अपीयरेंस में नजर आई थी। इसी के साथ इस वीडियो में बस इतना ही। बॉलीवुड से जुड़े तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहें वॉइस ऑफ भारत।